करप्शन के प्रतीक इस भवन को क्या प्रशासन करेगा जमींदोज? तस्वीरें आपको सिस्टम के खिलाफ लामबंद कर सकती हैं, लेकिन देखनी जरूरी है। दीवारों पर साफ साफ दिख रही दरारें इस बात की तस्दीक कर रही हैं कि रीवा शहर का सिस्टम कितना बेशर्म व लाचार हो चुका है। दीवारों में सीलन व दरारें साक्षात सबूत है कि सत्ता के लिए सौगंध खाने वालों के लिए आम आदमी की जान की कीमत क्या है। खबर मध्य प्रदेश के रीवा जिले से है, जहां संभागीय कृषक प्रशिक्षण केंद्र की बनाई गई बिल्डिंग में हाउसिंग बोर्ड के अधिकारियों व चरक ग्रुप के ठेकेदार विपिन प्यासी द्वारा गुणवत्ता मानकों को दरकिनारा कर एक बड़े भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए पर्दा डाला जा रहा है। हाउसिंग बोर्ड के अधिकारी व ठेकेदार विपिन प्यासी द्वारा लगातार संयुक्त संचालक उद्यान के योगेश कुमार पाठक पर गुणवत्ता विहीन बिल्डिंग को हैंडओवर करने का दबाव बनाया जा रहा था, लेकिन जॉइंट डायरेक्टर योगेश कुमार पाठक व इंजीनियर हिमांशु वर्मा के द्वारा भौतिक सत्यापन के दौरान कमोड, पानी की टंकी, रेन वाटर पाइप, वॉश बेसिन, टूटी टाइल्स व छत से पानी का कमरों में भरने जैसी कमियां सामने आई। इतना ही नहीं, ठेकेदार विपिन प्यासी द्वारा खड़ी गई भ्रष्टाचार की बिल्डिंग के प्रत्येक कमरों में दरार व सीपेज की समस्या वीडियो में स्पष्ट तौर पर देखी जा सकती है। हाउसिंग बोर्ड के अधिकारियों से जब मीडिया ने कैमरे या लिखित तौर पर बिल्डिंग की गुणवत्ता को लेकर जवाब मांगा, तो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर अनुज प्रताप सिंह ने स्पष्ट तौर पर मना कर दिया। इससे साफ जाहिर होता है कि अधिकारियों की सह पर भ्रष्टाचार की इबारत लिखी जा रही है। जिस तरीके से ठेकेदार के भ्रष्ट कार्यों पर हाउसिंग बोर्ड के अधिकारी पर्दा डाल रहे हैं, ठीक उसी प्रकार भवन की दीवारों पर आई दरारों को छुपाने के लिए चूना पोता जा रहा है। सूत्रों की माने तो बिल्डिंग के निर्माण के दौरान डस्ट का इस्तेमाल किया गया है। इसके अलावा विभाग के गुणवत्ता विहीन बनी सड़क को तोड़ दिया गया था। संयुक्त संचालक उद्यान कार्यालय के अधिकारी कई माह पूर्व बनकर तैयार हो चुके भ्रष्टाचार के भवन को हैंडओवर करने से डर रहे हैं। जिन पर हाउसिंग बोर्ड की एग्जीक्यूटिव इंजीनियर व ठेकेदार विपिन प्यासी द्वारा हैंडओवर के लिए दबाव बनाया जा रहा है, रीवा हाउसिंग बोर्ड में कई वर्षों से अंगद की तरह पांव जमाए बैठे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर अनुज प्रताप सिंह भ्रष्टाचार के भवन पर पर्दा डालने की कोशिश। क्या भ्रष्टाचार की बनी इस बिल्डिंग को प्रशासन जमींदोज करेगा, यह सबसे बड़ा सवाल है। आइए सुनते हैं कि उद्यानिकी के ज्वाइंट डायरेक्टर योगेश कुमार पाठक ने मीडिया से बातचीत के दौरान क्या जानकारी। हमारे संचालक महोदय के द्वारा राशि हाउसिंग बोर्ड के डायरेक्टर को दी गई और उसके द्वारा जो है तो ये बिल्डिंग बनाई जा रही। इसका भी फाइनेंशियल वैल्यूएशन नहीं हुआ है। विपिन ठेकेदार चरक ग्रुप्स के हैं, वो आ रहे थे, बार बार कह रहे थे कि इसको आप बिल्डिंग को ले लीजिए, लेकिन मैं बिल्डिंग को नहीं लिया। उनसे मैं ये कहा कि ये बिल्डिंग का हैंडओवर का काम करने का हाउसिंग बोर्ड का है। मैं बिल्डिंग के अंदर गया और भौतिक रूप से उसका निरीक्षण किया, उसमें मुझे कुछ कमियां पाई गईं। उसके बाद मैं वहां के सहायक यंत्री हिमांशु वर्मा को बुलाया दूरभाष से कि आप और मैं दोनों जन संयुक्त रूप से उस बिल्डिंग का भ्रमण कर लें। भ्रमण के दौरान उसमें कुछ कमियां पाई गईं, जैसे फर्श के बीच में गैप फिलिंग पाई गई, कुछ क्रैकिंग भी पाई गई, चार पाँच छः उसमें कमियां पाई गई। सीवर लाइन कंप्लीट नहीं थी, सीवर लाइन को जुड़ना था, ये कुछ पाँच छः कमी पाई गई हैं। उनके बारे में हिमांशु वर्मा जी ने पत्राचार किया है और कहा है कि जब आप इसको कंप्लीट कर लेंगे, कंप्लीट करने के बाद हाउसिंग बोर्ड को बताएंगे पत्र के माध्यम से कि जो कमियां मैंने लिखित में रूप से दी हैं उसको मैंने पूर्ण किया है, तदुपरांत उसमें हैंडओवर की कार्यवाही की।